नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैपिड टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं अर्चना। नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पूर्व मेदिनीपुर में जनसभा को किया संबोधित, भाजपा पर भी किया जमकर हमला। ममता बनर्जी ने तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा को यहां से विदा कर दो, हम मोदी का चेहरा देखना नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा पर विशेष जोर तैनात की जाएंगी, सीआरपीएफ की 725 कंपनियां। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने 4 सीटों पर बदले तृणमूल उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी 21 मार्च को करेगी अपना घोषणा पत्र जारी। सिलीगुड़ी में संयुक्त मोर्चा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, घोषणा पत्र में कई अहम मुद्दे शामिल। तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। सिलीगुड़ी के 21 नंबर वार्ड में आज भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने जनसंपर्क अभियान के साथ साथ दीवार लिखन कार्यक्रम में हुए शामिल। सिलीगुड़ी के 46 नंबर वार्ड अंतर्गत इलाके से ढोल नगाड़े के साथ शंकर घोष ने शुरू किया चुनाव प्रचार। सिलीगुड़ी के 18 नंबर वार्ड अंतर्गत इलाके में कार्यकर्ताओं के साथ अशोक भट्टाचार्य चुनावी मैदान में उतरे। चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में आयकर विभाग ने 2 सोने की दुकानों में मारी छापेमारी। जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हटाने की मांग में आज भी भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध जारी। टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में ही सबसे बड़ा दंगल शुरू, राजगंज विधानसभा क्षेत्र में भूमिपुत्र को उम्मीदवार ना बनाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। माटीगाड़ा नक्सलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन ने शुरू किया चुनाव प्रचार। नाटाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्रनाथ घोष को कड़ी टक्कर देंगे, हाल ही में तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल हुए मिहिर गोस्वामी। भाजपा में फूट जारी, इटाहर और करणधिगी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा न होने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने सांसद व केंद्रीय मंत्री देवर्षि चौधरी का पोस्टर भी फाड़ा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने की मांग, कहा निमाई सिंह को बनाए इस क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार। इस्लामपुर में भाजपा उम्मीदवार पसंद ना होने का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने दलीय कार्यालय के सामने टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। खोड़ीबाड़ी ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से फांसीदेवा विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार छोटन किस्कू के समर्थन में किया गया चुनाव प्रचार। गैरकाटा में नदी से एक अज्ञात युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। दारीभिटा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ समर्थकों में रोष, उम्मीदवार बदलने की मांग में समर्थकों ने सांसद व केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी के तस्वीर पर लगाया काला रंग। भारत भूटान से सटे जयगांव में पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान एक वाहन से लगभग 9 लाख रुपए किया जब्त। रैपिड टाइम्स में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।